अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबको शाद और आबाद रखे। मैं सो के उठा हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तरफ से सब मुसलमानों को दिल के अथाह गुड़ाइयों से बहुत बहुत ज़्यादा ईद मुबारक हो। जैसा कि मालूम हो गया कि पाकिस्तान भी हमारे साथ मलाशिया के साथ ईद कर रहा है, तो पूरे पाकिस्तान को ईद मुबारक। अब फ्रेश होते हैं और ईद की नमाज की तैयारी करते हैं, तो मैं आपको आज अपने सारे दिन की रूटीन अपडेट करूंगा इंशाल्लाह। तो हमारे साथ जुड़े रहें, हमारी वीडियो को एंजॉय करें। मैं फ्रेश होकर दोबारा फिर हाज़र होता हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल। तो मैं नहा के फ्रेश हो गया हूँ, अब थोड़ा सा नाश्ता कर रहा हूँ। नाश्ता करने के बाद बस आस्ते सब दोस्त तैयार हो रहे हैं, उसके बाद ईद पढ़ने जाएंगे। तो ईद का सीन कुछ इस तरह है कि मस्जिद तो बंद है, सब अलाउ नहीं है ज़्यादा लोगों को जाने का, थोड़े लोग जाएंगे। तो हम सब ने ये डिसाइड किया कि जो हमारा रेस्टोरेंट का दफ्तर है ना, उधर जा के सेटिंग करेंगे, तो उधर नमाज़ पढ़ेंगे ईद की। तो जैसे जैसे न्यू अपडेट होगी तो मैं एक मुकम्मल वीडियो बना के आप सबके साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह। तो देखते हैं आज का दिन कैसा गुजरता है। तो उम्मीद है और दुआ है कि हम सब का ये दिन बहुत अच्छा गुजरे। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तो अब मिलते हैं ईद पर, ईद नमाज पर इंशाल्लाह। तो सीन कुछ इस तरह का है कि मैं नीचे आ गया हूँ, बाकी मेरे दोस्त तैयार हो रहे हैं, वो भी आ जाएंगे नीचे। तो गलियाँ सुनसान हैं। तो ये जो ऊपर है ये मेरा फ्लाइट है, तीसरी मंजिल पर, तीसरे फ्लोर पर। तो मैंने कहा चलो मैं चलता हूँ आस्ता आस्ता बाहर का मंज़र देखता हूँ, तो आप लोग भी आ जाओ। तो गलियाँ सुनसान हैं बिल्कुल, नहीं तो इधर 24 घंटे रश ही होता था लोगों का, कोई आ रहा कोई जा रहा, कोई किधर कोई किधर। तो आज कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को लॉक करके रख दिया है, तो इसलिए आज का दिन खुशी का भी है और सैड भी है कि ये ईद कैसी, इतनी खामोशी की ईद कैसी होती है। और पाकिस्तान में जो बहुत बड़ा हादसा हुआ है, PI का प्लेन कराची में क्रैश हुआ है, तो उन सब के लिए जो शहीद हो गए हैं मगफरत की दुआ ज़रूर करना, जो बच गए हैं किस्मत से उनकी सेहत याबी के लिए दुआ ज़रूर करना। तो क्या किसी ने खूब बोला है कि बात तो सिर्फ मंजूरी की थी वरना हम तो लैंड करने ही वाले थे, कि अल्लाह ताला का हुक्म आ गया था वरना एक मिनट बाद प्लेन लैंड हो चुका होता। मतलब कि एक दफ़ा वो लैंड कर गया था लेकिन दोबारा फिर पायलट ने देखा कि इसका लैंडिंग गियर ओपन नहीं हो रहा, तो उसने फिर हवा में इसको बुलंद कर दिया और फिर सुना कि उसके इंजन बर्न हो गए जिसकी वजह से वो क्रैश कर गया। अल्लाह का हुक्म हो चुका था वरना प्लेन इजी लैंडिंग कर सकता था। तो उन सब के लिए बहुत ज़्यादा मगफरत की दुआ करना, तो अल्लाह ताला उनको जन्नत अल फिरदौस में अला को मकाम अता फरमाए, और जो बच गए हैं उन तो अल्लाह ताला शिफाए तामला नसीब फरमाए। तो मैं अपने रेस्टोरेंट के पास आ गया हूँ, तो ये मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये जो आपको पट्टी वगैरह नज़र आ रही है ये सीलन की पट्टी है जो इनके गवर्नर ने सील कर दिया कस्टमर ज़्यादा बैठने की वजह से। तो ये जो डोर नज़र आ रहा है इसके ऊपर दफ्तर है जिधर हम लोग ईद की नमाज़ अदा करेंगे। तो मिलते हैं आपको ईद की नमाज में इंशाल्लाह। एक मेरा दोस्त आ रहा है, मेरा रूममेट है इंडोनेशिया से, ये ईद की नमाज पढ़ने के लिए आ रहा है। मरी मरी
तो हम ईद की नमाज़ पढ़ेंगे वहाँ पर। हाँ, मेरे दोस्त आ रहा है, ये बर्मा से भी है और बांग्लादेश से भी है। माशाल्लाह, अल्लाह बुरी नज़र से बचाए। बहुत प्यारा दोस्त है एक, मेरे दोस्त पीछे आ रहे हैं भाई, अरे भाई ये भी बर्मा से है। हम ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए जाएंगे इंशाल्लाह। ये देखो, हम कुछ लोग इधर जमा हो गए हैं, वो सेल्फियां बना रहे हैं, सेल्फियां बनाने में मसरूफ़ हैं। बाकी लोग भी आ जाएंगे तो इंशाल्लाह हम ईद पढ़ेंगे। मेरे सब दोस्त मुख्तलिफ कंट्रियों से हैं, कुछ इधर से, कुछ इधर से, जैसे परदेस में होता है। लेकिन जब हम एक साफ में खड़े हो जाएंगे, सब मुसलमान बन जाएंगे। अल्लाह ताला का कैसा निज़ाम है। और कुछ सीन इधर से हैं, तो ईद को नमाज अभी रहती है, तो मेरे दोस्त फ़ोटो सेशन में लगे हुए हैं, फ़ोटो बना रहे हैं। यहाँ देखो हारून भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह कितना प्यारे हैं। तो अल्लाह ताला इनको नज़रबाज़ से बचाए। हारून भाई ने भी आईफोन पकड़ा हुआ है, मेरा ख्याल नया ले लिया है। ये चनते बोले भाई, ये चनते बाटला। आ देखो, आ देखो, है अब प्रदेश की लाइफ ऐसी होती है कि हम रेडी होकर खड़े हैं, लेकिन जो हमारे माँ मस्जिद हैं वो नहीं अभी तक पहुँचे इधर, उनका वेट हो रहा है। अरुण भाई क्या बोल रहे हो? अरुण भाई आप कैमरे क्यों नहीं बोल रहे? थोड़ा इधर बोलो ना, मेरी तरफ देखो। अरुण भाई ये याद आ जाते, आप बोल नहीं रहे, आपको पूरी दुनिया देखेगी। अरुण भाई तेनो सुनी, हाँ बोलो, कुछ बोलो, हाथ ही हिला दो। वन से समथिंग। हमें ईद मिलने आई है मानो। हेलो मानो, इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ, नाराज हो गई आज। ये देखो हमारी बिल्ली अब ब्रेकफास्ट करेगी, ये देखें। अब हम ईद के लिए ऊपर जा रहे हैं, अल्लाह ताला हमारी नमाज कबूल फरमाए, हमारे रोजे कबूल फरमाए, आमीन आमीन। ये हम ऊपर आ गए।
बढ़िया हाँ ऑटो कर तो सब दे देगा। हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह ईद नमाज हो गई। Thank you.
आज हम एंजॉय कर रहे हैं ईद का दिन। ईद पढ़ ली है, हर चीज़ हो गया। अब फ्रूट खाया थोड़ा सा, तो बाकी हमारे दोस्त जो खाना बना रहे हैं, इंशाल्लाह खाना खाएंगे तो अच्छा सेलिब्रेट हो रहा है। तो पाकिस्तान में तो अभी ईद का नमाज का टाइम नहीं हुआ, तो हमारी दुआ है कि हर कंट्री में अल्लाह ताला अपनी रहमत रखे, अच्छे से ईद गुजारें। तो इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा दिन का रूटीन बताया जाएगा। तो जो भी हमारी वीडियो देखें वो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपनी दुआ में हमें भी याद रखें। पाकिस्तान के लिए दुआ करें, पूरी दुनिया के लिए, कोरोना वायरस के लिए, खात्मे के लिए दुआ करें। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। तो बस इसी तरह हमारी रूटीन चलती रहेगी इंशाल्लाह। Thank you.
जाएगी।